and then I will start other questions from this chapter. Okay. Firstly, coming to the two questions which we gave you as a test for yesterday, that is the bio test, second test it was. Now in this half, you were supposed to write the three principles of prevention and two principles of treatment. आपको दोनों principle principles हैं, है ना? जो question क्या था आपका? पहला question था आपका principles of prevention, तीन लिखने हैं आपने. Principles of prevention, तीन लिखने हैं for 3 marks, ठीक है? And second it was principles of treatment, right? Now what the children they are writing, I was amazed, like online test हो रहा है, ठीक है? अच्छी बात है कि आप लोग अपनी अपने से दे रहे हो. You are not cheating it from somewhere else. That is a very good point. But still, you people are, अभी तक आपको देखो 5 महीने मैंने अभी गिना के हटी हूँ. 5 महीने हो गए इस चैप्टर को करते, लेकिन अभी तक आपको इनका डिफरेंस नहीं पता चला. प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स और ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स, क्या लिखना होता है इसमें? वाई टू प्रिवेंट और हाउ टू प्रिवेंट, वाई टू ट्रीट और हाउ टू ट्रीट, वाई टू प्रिवेंट, वाई टू ट्रीट, नॉट हाउ. ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में आप लोगों ने क्या लिखना है? दैट इज सो एज द इम्यूनिटी इज नॉट वीकेंड, द पर्सन स्टेज हेल्दी, ठीक है, द साइड इफेक्ट्स आर नॉट देयर, तभी तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ले रहे हैं, है ना? द पर्सन स्टेज हेल्दी, देन देयर इज लीस्ट ऑफ द मनी एंड द टाइम वेस्टेज. ये तो मैंने कल सुबह क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर भी आपकी शीट पे 0-0 नंबर जा रहे हैं. मतलब ऑनलाइन में यू पीपल आर गेटिंग 0 marks. And after single chapter being discussed since 5 months, 5 महीने में अभी तक तुम ये बात नहीं समझ पाए हो कि principles of prevention क्या हैं. The children they are still writing the methods for it. मैंने दो चीजें आपको बड़े बेटा बड़े और इससे आसान मैं क्या करा सकती हूँ. अगर आपको principles word आ गया है, आपने answer देना है why का. दोनों में word आ गया principle, तो आपने answer देना है why का. The answer is that of why, है ना? Why to prevent, why to get ourselves treated, that is why. अगर question आ गया आपको methods का, अब methods भी आपको दोनों के हैं, methods आपको prevention के भी हैं, treatment के भी हैं, है ना? These are the methods how to prevent ourselves, how to get treated, ठीक है? तो methods अगर question आता है या how में question आता है तो आपका answer ये आएगा, how. मेथड्स, ठीक है? हाउ में हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेथड्स की बात करते हैं, वाई में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. ये याद रखो. आई थॉट नाउ यू पीपल आर वेरी मच रेडी विद द पेपर, विद द टेस्ट एंड विद द चैप्टर, रीडिंग इट सिंस 5 months एंड यू पीपल आर स्टिल ऑन 0. इट इज रियली अ शेम ऑन यू पीपल. अगर आपको अभी तक, मेरे को खुद बताओ ना कि मैम हमें ये मतलब नहीं समझ आ रहा है, इस वर्ड का ही नहीं मतलब समझ आ रहा, तभी मैं आपके ये डाउट्स क्लियर करूंगी ना. एवरी टाइम आई एम स्पीकिंग, आई एम गिविंग द रिवीजन, एवरी टाइम आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, एवरी टाइम द सेम हैंड्स आर रेजिंग अप, लाइक वही 4-5-6 हाथ हैं जो हमेशा खड़े हो जाते हैं कि चलो जी हमें आंसर देना. आर दीज द ओनली स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू सिट फॉर द एग्जाम फाइनल? आउट ऑफ नियरली, इफ आई सम अप द स्टूडेंट्स ऑफ द टू क्लासेस टुगेदर, दे आर नियरली 75+, आई थिंक, है ना? Nearly 75+ तो होंगे, 75 तो होंगे nearly. तो अगर 75 students में every time I'm getting the hand raise of 8 students, 9 students, are they the only ones those who are going to give the test? What about the other 65 and 66 students? If the chapter is not clear to you, बेटा मैंने अभी अभी आपको discussion में बताया, आपके paper में 40 marks का आपका term 2 का paper होना है, जिसमें से 15 नंबर की ऑन एन एवरेज सिर्फ 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 आपकी बायोलॉजी है. मतलब 15 मार्क्स का सिर्फ सिर्फ ये वाला चैप्टर है. इट्स अ 15 मार्क्स ओनली वन चैप्टर आउट ऑफ 40. व्हाट इज द लेफ्ट काउंट? 25. 40 में से 15 चला गया, 25 बचा ना, है ना? तो 25 मार्क्स में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहा है. Means you people are getting this much marks from the bio. And if you are not going to read this chapter, this one chapter, जो आपने इतना सारा पढ़ लिया, इतने सारे question discuss हो गए, इतना सारा discuss हो गया, अब उसके बाद भी अगर आप लोगों को ये chapter में तसल्ली नहीं है, 50% marks आप लोग नहीं ले पाते हो, pass नहीं होते हो, तो means आप लोग, मतलब आप लोगों ने ये time सिर्फ kill किया है.
sitting online at home, you people are not studying at all. You know? Really, I was taking the test yesterday and I was like amazed ki ye ho kya raha hai, matlab bachon ne kuch likha hi nahi. आपको अभी तक यही नहीं मतलब समझ आया, अब समझ आया कि नहीं आया मुझे पहले ये बताओ. कोई अभी भी ऐसा है बेटा, पूछने में कभी भी गड़बड़ नहीं होती. देखो पूछ लोगे उसमें कोई गलती नहीं है, पर ना पूछ के गलत आंसर कर लिया, मार्क्स जीरो ले लिया, उसमें कितनी गड़बड़ है. तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी परसेंटेज, कितना तुम्हारा लैग होता है कि नहीं. फिर किस चीज की वेट कर रहे हो? आर यू स्टिल वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स? आर यू स्टिल वेटिंग फॉर योर फाइनल्स की तब जाके पढ़ लेंगे? नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन? हाँ जी बोलो. फिर वही बच्चे बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, नो साइड इफेक्ट, नो मनी वेस्टेज, नो टाइम वेस्टेज, नो रूटीन इज डिस्टर्ब. ठीक है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग अवर सेल्स प्रिवेंटेड. Why we get ourselves treated? यहाँ पे तीन है आपके पास. हाँ जी जसलीन बोलो. जसलीन बोलो, अनम्यूट करो. मैम आई वॉन्ट टू आस्क दैट जो प्रिंसिपल्स है ट्रीटमेंट के और सॉरी मेथड्स जो है ट्रीटमेंट के जर्नल और प्रिवेंशन के जर्नल मेथड्स है, वो दोनों सेम नहीं है? सेम ही है. जनरल तो देखो सबके लिए सेम ही होंगे ना. ट्रीटमेंट कैसे ले रहे हो? आपको जनरल कोई बीमारी हुई नहीं है, कोई डिजीज हुई नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके लिए. क्या ट्रीटमेंट्स लोगे? अब अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओगे, हेल्दी बनाओगे ताकि वो डिजीज हुए ही ना, है ना. यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग सर्टन मेडिसिन, लाइक हमने जैसे बात करी थी मल्टीविटामिन्स की. ठीक है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री जो भी आप फूड मटेरियल्स लेते हो, एडेड टू योर फूड. ठीक है, वो सारी चीजें मल्टीविटामिन्स एट एन एज ऑफ 40 प्लस लेनी पड़ती हैं. मतलब पेरेंटल एज पे आप देखोगे, पेरेंट्स से पूछ के देखो, सो दे डू टेक दैट, बट दे आर टेकिंग दैट मेडिसिन एंड दे देमसेल्व्स आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डिजीज. दे आर गेटिंग द ट्रीटमेंट एज इन जनरल फॉर्म. ठीक है, अब अगर कोविड का यहाँ पे रोल था तो बेसिकली अगर कुछ डॉक्टर्स पेडिटिशियन से अगर आप लोग कभी मिले होंगे तो दे मस्ट हैव गाइडेड यू टेकिंग द लिम्सीज एंड ऑल. ठीक है, ऐसे ही मतलब वो बोलते थे कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगे ना तो लिमसी खानी शुरू कर. दैट इज व्हाई, दैट इज बिकॉज इट इज अ सिट्रस फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स. ठीक है, विटामिन सी, लिमसी एक मेडिसिन, मेडिसिन नहीं था एक टेबलेट था, तो उसमें क्या है वो बच्चों को ऐसे ही दे रहे थे कि सिर्फ अगर आपको कुछ नहीं भी हो रहा है या लग रहा है कि कुछ शायद सॉर थ्रॉट है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये खानी शुरू कर दो, बिकॉज इट इज अ विटामिन सी एक्सट्रैक्ट. तो दैट इज वी आर गेटिंग अवरसेल्फ्स ट्रीटेड, है ना, बट नॉट अगेंस्ट अ डिजीज. We are getting ourselves treated against the general symptoms. ठीक है, तो that is a general method of treatment. ठीक है जी, okay. हाँ जी अश्मित. मैम अगर वो methods पूछेंगे तो हम general लिखने ना हमने. हाँ वो general treatment में है. Multivitamin अगर लिखना है अपने वो general treatment में है, लेकिन prevention में हम ऐसे नहीं करते हैं. Multivitamin हम prevention नहीं ले. Prevention है simple hygienic conditions बनाना, आपकी exercises, yogas and all. ठीक है, specific के लिए पूछेंगे ना वो स्पेसिफिकली. तो आप एग्जांपल लेके बताओगे. स्पेसिफिक में सिर्फ उन्होंने सिंपल आपको क्वेश्चन अगर हमने डाला कि डिस्कस द टू मेथड्स, तो डिस्कस द टू मेथड्स में आप बताओगे वन इज जनरल, वन इज स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक में आपने आगे मेंशन करना. ठीक है, स्पेसिफिक में आप बताओगे कि लेट्स से द एग्जांपल इज द डिजीज इज कोविड-19 एंड फॉर दैट वी आर टेकिंग दीज प्रिकॉशंस, दीज प्रिवेंशंस. इन जनरल नहीं है वो, फिर स्पेसिफिक हो गया. अगर स्पेसिफिक की बात करें, अभी मैंने कल एग्जांपल भी लिया था, अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर लगाया है उसमें मैंने कल एग्जांपल लिया था, जैसे कोविड-19 का हम स्पेसिफिक अगर बात कर रहे हैं तो वी आर वेयरिंग दीज मास्क. बिफोर द टू इयर्स ऑफ दिस ऑनसेट ऑफ कोविड-19 वी वर नॉट यूज्ड टू दिस वेयरिंग ऑफ मास्क, है ना. वी वर नॉट इवन कैरिंग अवर सैनिटाइजर्स विद अस. सैनिटाइजर्स लेके आते थे आप लोग स्कूल में? कभी कभी भी नहीं लाए हम लोग, है ना. व्हाई सो? बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर, हमारे माइंड में एक बड़ा कंफ्यूजन नहीं था फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, है ना. एक स्ट्रेस नहीं था, एक डर नहीं था, एक फेयर नहीं था. ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन हम ले रहे हैं. ठीक है, अब कोविड-19 की ट्रीटमेंट भी अलग है. एकदम से स्टीरॉइड्स दे देते हैं, ओरल स्टीरॉइड्स आप लोग ले रहे हो, दवाइयां खा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द स्टीरॉइड, तो वो सारी चीजें क्या है, वाई दे आर ट्रीटिंग यू विद द हैवीएस्ट ऑफ द मेडिसिन सीधी डायरेक्ट, क्योंकि वो डिजीज ही इतनी हैवी कॉज कर रही है जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी के अंदर, डैमेज हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है. समझ गए? वर्ड्स हैं सिर्फ, सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं.
और कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब सेकंड मेरा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में, हमने आपको तीन करवाए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। ये क्वेश्चन अभी आप लिख लो इसको, अगर आपको नहीं आता है इसका आंसर, मैं बहुत बार जितनी बार मैंने ये कराया क्लास में मैंने उतनी बार ही बोला है ये पॉइंट्स, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, देन टू किल द माइक्रोब्स ऑलरेडी विच आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी, एंड यस नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ द माइक्रोबियल अटैक टू अवर बॉडी, ऑफ द डिजीज ऑनसेट अगेन इनटू द सेम पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, अब ये तीनों को अगर आप इनके ऑर्डर चेंज कर दो क्या कोई सेंस बनता है? मैं पहला पॉइंट अगर मैं पहला पॉइंट लिख दूं टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, पहले जो हो चुकी है वो तो खत्म करो, रीअकरेंस तो बाद में होगी, है ना, रीअकरेंस के चांसेस तो बाद में आएंगे, जो अकड़ है ऑलरेडी उसको तो पहले खत्म करें। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया किलिंग द माइक्रोब्स, अगर मैं माइक्रोब्स को पहले किल कर देती हूँ तो जितने नवे नवे ग्रो हो रहे हैं वो तो चलते ही जा रहे हैं फिलहाल के लिए, है कि नहीं, हमारी मेडिसिन गई अंदर। सपोजिंग एक पेशेंट के अंदर लेट से 20,000 प्लस माइक्रोब्स थे, ठीक है, से लेट से, ठीक है, मेडिसिन का काम है उसने एक टाइम पे 5,000 माइक्रोब्स खत्म कर दी, एक आपने डोज खाई 5,000 माइक्रोब्स खत्म हो गए, 15 तो अभी भी हैं, वो तो ग्रो कर ही जा रहे हैं। अब दूसरी मेडिसिन खाओगे वो अगले 5 ग्रो मतलब खत्म कर देंगे, लेकिन वो 15 से 30 बन चुके होंगे, समझो मेरी बात, अगर हम ग्रोथ ही नहीं रोकेंगे तो वो किलिंग करने का फायदा क्या है? सो मीन्स वॉट दीज आर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, बेटा ये ऑर्डर नहीं तोड़ना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया है राइट टू प्रिंसिपल्स का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी दो लिखो, यू अगेन राइट इट इन अ ऑर्डर। और अगर तुम दो से तीसरा लिख भी दोगे तो कोई वहां पे नेगेटिव नहीं है, है ना, दो से एक अगला तीसरा लिख भी दोगे तो वहां पे कुछ नेगेटिव नहीं है। दैट मेक्स द सेंस इन इटसेल्फ, स्टॉप किया, किल कर दिया और उसके बाद रीअकरेंस भी रोक दिया, कितना आसान है। मुश्किल है क्या इस चैप्टर में? मुझे तो यही नहीं समझ आता मुश्किल है क्या। अब मेथड्स की बात करूं, मैंने बोला हाउ टू प्रिवेंट एंड हाउ टू ट्रीट। अब यहाँ पे हाउ टू प्रिवेंट में मेथड में अगेन दोनों के, प्रिवेंशन के भी मेथड्स हैं, ट्रीटमेंट के भी मेथड्स हैं, दोनों के मेथड्स दो ही हैं हमारे पास दोनों के लिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिवेंशन, जनरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, खत्म। अब इससे आसान क्या होगा बताओ, इससे आसान और क्या होगा कि आप लोगों को कितने सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा वास्ट तो आप लोगों को डिजीज डिस्कशन तो है ही नहीं है, इट्स ओनली अ बेस, मींस यू आर ओनली मेड अवेयर अबाउट व्हाट द टर्म्स आर। ठीक है, सिर्फ आपको एक टर्म्स सिखाई है, जैसे एक लैंग्वेज सीखने से पहले आपको अल्फाबेटिकल उसका सिखाता ना, ए बी सी डी फोनिक्स सिखाते, वो बेस सिखाया है आपको सिर्फ, है ना, तो ये बेस है सिर्फ, उसमें भी तुम लोग इतने घबराए पड़े। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन द माइंड रिलेटेड टू दीज फोर क्वेश्चंस प्लीज, दीज फोर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड इज मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, फोर्थ इज मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। चार क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, एनी डाउट यू कैन क्लियर इट राइट नाउ। हाँ जी अश्मित, जनरल मेथड्स किसके? प्रिवेंशन के। प्रिवेंशन के जनरल मेथड्स क्या क्या है बताओ भाई? बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजिंग, पर्सनल हाइजीन, क्लीन सराउंडिंग्स और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ फूड टू बी ईटन, कुक्ड फूड, प्रॉपर कुक्ड फूड, ये भी प्रिवेंशन ही दे रहा है, है ना। हर चीज जो आपके मम्मियां बोलते हैं ना, बार बार आपके मदर्स घर पे बोलते रहते हैं ऐसे मत करो ऐसे करो, हैंड वॉश करके आओ खाना खाने से पहले, वो सब चीजें क्या हैं? दे आर द प्रिवेंशन ओनली, है ना। इफ यू आर ईटिंग द जंक फूड, दे बेसिकली अवॉइड ईटिंग द जंक फूड, मदर्स यूजली दे टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अगर बहुत फ्रीक्वेंट, अगर कई बार होता है कि चलो मन कर जाता है एंड वी टेक इट लाइक ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, ऐसा हो सकता है, ठीक है,
बट रेयर आर द चांसेस व्हेन द मदर्स विल गाइड कि हाँ जी आज भी हम बाहर का खाएं, कल भी बाहर का खाएं, परसों भी बाहर का खाएं, रोज बाहर का खाएं, ऐसा नहीं होता है ना. रेयर आर द चांसेस. मे बी कोई प्रॉब्लम है या मे बी कोई आप लोगों को वैसे ही मन कर रहा है कि चलो ठीक है आज कुछ डिफरेंट हो जाए, है ना, सेम मोनोटोनस लाइफ के साथ कोई बोर हो गया, तो मे बी द थिंग्स आर. बट अल्टीमेटली व्हाट इज देयर इज मदर्स ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस हाइजीन इन योर फूड कुकिंग ऑल्सो, है ना. कुकिंग ऑफ द फूड में भी आपके मदर्स कितना हाइजीनिक काम करते हैं. वो पहले क्यों धोते हैं सारी सब्जियां, अच्छे से वॉश करते हैं, दालें हैं उनको धोएंगे भिगोएंगे फिर बनाए, क्यों है ऐसा? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ देयर ओन किड्स, है ना, ऑफ देमसेल्व्स एज वेल. ठीक है, तो दैट आर द प्रिवेंशन अगेन. वो भी तो प्रिवेंशन है. खाना पकाना है धोके पकाओ अच्छे से, सराउंडिंग्स क्लीन रखो का मतलब क्या, किचन में जहाँ खाना पक रहा है वहां पे सराउंडिंग अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, है ना. मतलब ये चीजें, आर यू गेटिंग इट? ओके, दोज आर द जनरल मेथड्स. जनरल मेथड्स जनरल हम करते हैं घर पे, जो हम लोग यूजुअल प्रिवेंशन लेते हैं वो जनरल मेथड्स. स्पेसिफिक तब जब हमने कुछ एक पर्टिकुलर चीज के लिए कोई स्पेसिफिक किया है. फॉर एग्जाम्पल से अभी कोविड में ही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, वेव वन में लोग इतने डरे हुए थे, इतने टेरिफाइड थे, लाइक दे वर लाइक सिंपली जैसे जैसे न्यूज़ेस आते, जैसे जैसे लोग बता रहे थे, WHO पीपल एंड ऑल जो भी सारे थे, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो भी गाइड कर रहे थे, लोग फॉलो कर रहे थे. घर के बाहर शू रैक्स लगा रही है, घर के अंदर के स्लीपर्स और हैं, बाहर के और हैं. ये क्या है? ये प्रिवेंशन ही है, स्पेसिफिक है फॉर COVID-19. क्यों? क्योंकि बोल रहे थे कि जो भी सर्फेस है उसके ऊपर कंटेमिनेशन है, और वो कंटेमिनेशन अगर घर में आएगी आपके ऊपर आएगी, है कि नहीं? ठीक है. इवन द पीपल दे वर सपोज टू वॉश देयर हैंड्स आउटसाइड द गेट ऑफ देयर होम्स ओनली. घरों के बाहर ही ऐसा कुछ प्रोविजन लगा दिया था, घर से बाहर ही अपने हाथ धो के अच्छे से अंदर आओ जो बाहर जा रहे थे, है ना. इवन कवरिंग अप ऑफ द हेयर्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि हेयर्स पे लगा रहेगा, कपड़े में है तो वो कपड़े में लगा रहेगा. घर आओ आते ही बेथिंग करो और उसके बाद अपने कपड़े जो है वो चेंज करो किसी भी सर्फेस को टच करने से पहले, है कि नहीं? तो ये चीजें क्या थी? दे वर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स, सॉरी स्पेसिफिक प्रिवेंशंस. ये स्पेसिफिक थे COVID-19 के लिए. तो अगर आपको डिजीज पर्टिकुलर का किसी का भी नहीं करवाया, ना प्रिवेंशन पर्टिकुलर करवाया, ना आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, ना ही किसी का डायग्नोसिस करवाया. पर्टिकुलर तो किसी का नहीं किया हमने, आपको खुद से एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में आती है, ठीक है. यू विल बी क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल रनिंग नाउडेज इज COVID-19, जिसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. इफ यू आर लाइक कैटेगराइजिंग इट इनटू द सर्टेन क्लासिफिकेशन आप देखे कर सकते हो, दैट इज ऑल गुड. ठीक है, फॉर एयरबॉर्न डिजीजेस जैसे हमारी कॉमन कोल्ड होती थी, फर्स्ट वी वर नॉट यूज टू वेयर दीज मास्क, है ना. कभी आपने ऐसा सोचा है कि मतलब देखा भी है, हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ से लेके अब तक नहीं देखा कि क्लास में अगर किसी को कोल्ड हुआ पड़ा हो तो उसको कहा हो कि तुम मास्क डाल के आओ भी क्लास, ऐसा कभी हुआ था? नहीं हुआ था. वो तो खुद से स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, बोल रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, सब में स्प्रेड हो रहे हैं. ये तो बेस्ट प्रिवेंशन हो जाती है अगर पहले से ही ये शुरू हो जाता, जिसको कोल्ड हुआ है वो मास्क लगा के बैठे क्लास में, है ना, आगे स्प्रेड ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो मतलब ये चीजें तो बहुत जनरल वाली हैं, ये तो नॉर्मल अंडरस्टूड है. मतलब यहाँ पे कुछ टेक्निकल बायोलॉजिकल कुछ है ही नहीं है कंसेप्ट, है ना. हाँ जी जसलीन. मैम स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट में अगर COVID-19 की एग्जांपल ली है तो उसमें स्टेरॉइड्स के अलावा और क्या लिख सकते हैं पॉइंट? स्टेरॉइड्स की आप इसमें मेडिसिनल ही बताएंगे, बाकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स में यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के लिए रिलेटेड योगास भी अनाउंस किए गए थे, बाकी आपको थोड़ा सा मेडिसिनल देखना पड़ेगा नेट से, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ द मेडिसिन? आई गेस कुछ एक दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हुई थी, वो आ भी रही थी तब एड्स वगैरह में भी, व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी बहुत सर्कुलेट होती थी. है किसी के माइंड में वो मेडिसिन के नेम्स? व्हाट्सएप पे भी आते, पैरासिटामोल तो एक जनरल है, पेन किलर है वो, फीवर रिलीवर भी है. मेडिसिन के नाम आ रहे थे, इफ आई विल फाइंड आउट देन आई विल डेफिनेटली टेल यू. ठीक है, वैक्सीनेशन लिख सकते हैं, हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रीटमेंट अगेंस्ट द कोविड. ठीक है, तो कोविड में वैक्सीनेशन ही लिखो, ये कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. काढ़ा भी थे, हाँ, काढ़े भी मिलाए हैं बहुत सारे, है ना, दैट इज गिलो का काढ़ा. और नहीं, देर वर सर्टन मेडिसिन ऑल्सो, मुझे अब एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे, आई विल टेल यू डेफिनेटली. मेडिसिन दैट आर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट फॉर दिस कोविड ओनली.
ठीक है, यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर योर आंसर्स लाइक दैट ओनली. आप अपने आंसर्स पहले से तैयार रखो. अगर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेथड्स पूछते हैं तो आपने किस डिजीज के क्या क्या पॉइंट्स लिखे, दैट्स इट. अगर आपको प्रिवेंशन के पूछते हैं किस डिजीज के क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं, वो तैयार रखो पहले से. यही तो तैयारी करनी है तुम लोगों ने, और क्या करना है. एनसीईआरटी तो बहुत बारी पढ़ ली, अब पढ़ ली है, अब आंसर्स क्रिएट करने शुरू कर दो. क्वेश्चंस क्रिएट करो अपने लिए, अपने माइंड से कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करो. ठीक है, और कुछ? चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज आंसर दीजिए इसके अभी. ओके, लिसन टू द क्वेश्चन एंड डू रेज योर हैंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंड यू ऑल्सो प्लीज रेज योर हैंड, डोंट से द आंसर इन अ कलेक्टिव फॉर्म. ओके, राइट. Why a person suffering from AIDS cannot fight even with very small infections? Haan ji. AIDS is basically a disease which is related to destroying the immunity of the person. Yes, basically there is one thing. Yes, that is lymphocytes जो होते हैं वो non functional हो जाते हैं, उनका growth नहीं हो पाता और जितने हैं वो भी नहीं grow कर पाते, मतलब काम नहीं कर पाते. And that is why this becomes a disease which is having the acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है, तो उसके वर्ड में ही लिखा है immunodeficiency. So it makes the immune system deficient. हाँ जी रेनू का, इसके अलावा कुछ बोलना है? रेनू का अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे. बोलो रेनू का. मैम उस पर्सन को इसके लिए छोटी सी डिजीज लग जाती है बिकॉज़ एड्स उसकी इम्यूनिटी वीक कर देता है. एड्स इम्यूनिटी वीक कर देता है, दैट इज द ओनली वन लाइन आंसर, दैट इट बेसिकली डिस्ट्रॉयज द WBCs दैट व्हिच आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस. ठीक है, तो सिंपल आप ये लिखेंगे, देयर बाय वीकनिंग द इम्यून सिस्टम एंड हेंस द माइनर डिजीजेस विल नॉट बी सेटल्ड बाय द पेशेंट्स बॉडी. ओके, नेक्स्ट इज In slum area, many people are suffering from malaria. Mention any two unhygienic conditions that must be prevailing in that locality. Open source of water. हाँ जी बोलो. Stagnant water. Okay. और unhygienic condition in the slum area, obviously stagnant water बहुत ज्यादा रहता है. और हाँ जी दलजीत. Sewage treatment is not there. Yes, the proper sewage is not being treated. That is all you can say discharged openly. Anji Dhiren. Ma'am, uncovered and dirty food. Uncovered and dirty food. Basically, there is lack of cleanliness and the stagnant water is there, which makes a place to mosquitoes, for mosquitoes to breed. Okay? So the mosquitoes, they get the area or a place to breed more and hence to produce more of their eggs and hence to produce a more of the chances of disease spread. Why female anopheles mosquito feeds on the human blood? Babies. Yes. Insects, they don't give birth to the young ones. गलती से ही तो गलती होती है बेटा, और फिर कांटा बजता है, और फिर तुम लोग कहते हो कि नहीं मेरा तो आंसर का मतलब तो सेम ही था, है ना? अब बायो पढ़ रहे हो, बायोलॉजिकल टर्म्स थोड़ी सी अच्छे से यूज करो. इट इज बिकॉज यस दैट इज द मेन पॉइंट. ओके धीरेन, रेणुका, दलजीत, आप बोल चुके हो, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स. दिस इज बेसिकली व्हाई द क्वेश्चन वाज, व्हाई द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फीड ऑन द ह्यूमन ब्लड. It is because the female anopheles mosquitoes are going to lay the future eggs. Hai na? For their development, they are to give the nourishment to those developing eggs and hence they feed on the human blood. From where they get a good amount of the nutritional food, yeah, requirements. Okay? So that is why they feed on the human blood. And where do the male mosquitoes feed? On the nectar. What is nectar? Flower juice. Why?
Why? They require the nutritional food for their upcoming, like for their own development, but not for the future life cycle. ठीक है? क्यों? यही तो मैंने बोला ना. तो इसको थोड़ा टेक्निकल बना देंगे तो दैट इज दे रिक्वायर द न्यूट्रिएंट्स ओनली फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एंड नॉट फॉर द फ्यूचर लाइफ साइकिल. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द लेइंग ऑफ एग्स. ठीक है? सो दैट इज व्हाई द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द मेल मस्किटोज इज कंप्लीटेड बाय ओनली द फ्लावर जूसेस, दैट इज नेक्टर, एंड हेंस दे विल फीड ऑन द फ्लावर जूस. राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर.